नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक विशेष तौर पर मेरे घर का टूर देने जा रही हूँ। ये घर मेरी अपनी खासियत और सुंदरता के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं होम टूर। चलो गाइस, मेरे घर में आपका स्वागत है, जहां आप देखेंगे किस तरह से सुंदर और आरामदायक ये घर बसा है। इसमें हर कोने में प्यार और देखभाल का आवास होता है। चलिए इस खास सफर में आगे बढ़ते हैं। हमारे घर का एरिया 2000 स्क्वायर फुट में बसा हुआ है। हमने इसमें 2 BHK और एक पोर्च और स्टेप लिए हैं। ये हमारे लिविंग रूम का एरिया 15x20 का है। ये मिरर हमने घर पे तैयार किया है। दिखाते हैं हमारी लॉबी। ये लॉबी का एरिया है। यहाँ हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ टॉयलेट, यहाँ बाथरूम है। ये हमने कपड़े रखने के लिए बनाया है ऐसे। यहाँ हमने काउंटर टॉप बेसिन बनाया है। इसके नीचे हमने जगह मिली है। यहाँ वैक्यूम क्लीनर और बाकी का सामान रख देते हैं। बहुत सारा स्टोरेज है यहाँ। और यहाँ हमने थोड़ा सा शोकेस निकाला है। चलो अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ। ये हमारा किचन है। किचन में हमने एंट्री पे देवघर बनाया है। ये हमारा देवघर है, स्पेशल देवघर बनाया है हमने। देवघर का एरिया हमने वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्लान किया है। घर के हिसाब से थोड़ा सा हमने इसको 4 फुट ऊंचा किया है। 3 स्टेप ली है इसको। 3 स्टेप को हमने ग्लास का डिजाइन लगाया है। सो गाइस, ये है हमारा मॉड्यूलर किचन। ये देखिए, जरूरत का सब सामान यहाँ हमने रख दिया है। ये हमारा मिक्सी है, माइक्रोवेव है और आटा पीसने की चक्की भी हमने घर पे ली है। और इधर के एरिया में हमने डाइनिंग हॉल बनाया है। और यहाँ क्रॉकरी का सामान रखते हैं हम। इधर सब हमारे डब्बे और रहते हैं इधर की साइड पे। फिर हमने यहाँ रखा है, ये हमारा एरिया है। ये सब ऐसे ऐसा पूरा सामान इसमें रख दिया है हमने। और ऊपर के एरिया में भी सब सामान रख दिया है। किचन का एरिया 20x15 का है। किचन के इस साइड में हमने बर्तन धोने का एरिया बनाया है। ये जो एरिया है इधर का, ये हमने 4x15 का बनाया है। यहाँ हम बर्तन साफ करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए जगह रखी है। यहाँ हमारी वॉशिंग मशीन है। तो चलिए चलते हैं अब मास्टर बेडरूम के अंदर।
हमने वार्डरोब बनाए हैं पूरे, और सेंटर में हमने बेड लिया है। सेंटर के अपोजिट साइड में हमने ड्रेसिंग टेबल बनाया है, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। साइड से हमने रोप लाइटिंग लगाई है पूरी तरह से, और सीलिंग को भी हमने पर्पल कलर की रोप लाइटिंग लगा दी है। यहाँ वाटरफॉल बनाया है कॉर्नर में, ये वाटरफॉल का डिजाइन मैंने खुद किया है, इसको हमने 2x2 की लगा ली है वाटरफॉल बनाने के लिए। और ये बॉटल की जो डिजाइन है ना, मैंने खुद बनाए हैं, ऊपर के बॉटल की डिजाइन, ये डिजाइन, और ये झूमर भी हमने खुद घर पे बनाया है। यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर हमने, यहाँ जगह थी तो हमने इस पे टीपॉट रख दिया है, और इधर के साइड में हमारा बाथटब है, यहाँ हमने बाथटब निकाला है। इसका एरिया 15x4 का है बाथटब का, और इस साइड में है मेरे बेटे का बेडरूम। पूरा फर्नीचर हमने खुद ही घर पे बनाया है, और ये इसमें कुछ भी रेडीमेड नहीं है। ये जो राउंड वाला बेड है ये भी घर पे बना के लिया है हमने। ये गोल बेड को हमने रोप लाइटिंग घर पे खुद लगाई है, इसमें सामान रखने के लिए जगह बनाई है। इधर की साइड में हमने ड्रेसिंग टेबल बनाया है, और इस शोपीस के लिए हमने जगह भी छोड़ दी है यहाँ। और इस तरफ हमारी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है, और टेरेस पे मेरा गार्डन बना वाला है, और मैं ये आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। सो गाइस, ये था मेरा होम टूर। ये घर हमने 10 साल पहले बनाया था, और 4 साल पहले हमने इसे रिन्यू किया था, और 4 साल से ऐसे ही है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।